बसपा ने ऐलान किया है कि अब हर बूथ पर उसके साथ यूथ की ताकत दिखेगी। हर मतदान केंद्र पर 5 युवाओं की टीम बनाने के पार्टी के ऐलान पर भाजपा ने चुभता हुआ तंज किया। बीएसपी का नाम तो बहुजन है, पार्टी एक जन बन के रह गई है, तो मुझे नहीं लगता वो भाजपा की जो तर्ज पर काम करना चाहते हैं उनका काम पूरा हो पाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि भाजपा मुस्तैदी से जिस तरह कार्यकर्ता काम करते हैं वो काम करते रहेंगे, और आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो जैसे जिताने का काम किया है उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे। ये चुभने वाला तंज बताता है कि भाजपा की बसपा की हर रणनीति पर किस कदर पैनी नजर टिकी है। दरअसल जब से मायावती ने ओबीसी समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल के हाथ में प्रदेश बसपा की बागडोर सौंपी है, तभी से पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए तूफानी अभियान शुरू कर रखा है। एक तरफ विश्वनाथ पाल पिछड़े वर्ग में पार्टी की पैठ बनाने में दिन रात जुटे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के चेहरे पर पश्चिम से पूरब तक मुस्लिम वोट की गोलबंदी की जा रही है। और अब युवा मतदाता को बसपा से जोड़ने के लिए एक बूथ पर 5 यूथ वाला प्लान सामने आया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के युवाओं के बीच में लेकर जाने का जो फैसला माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, तो उसके आधार पर सेक्टर वाइज हम लोग बैठकें कर रहे हैं, और उसमें सर्व समाज के जो युवा हैं उनको दोबारा से इस बात को समझाने के लिए कि उनको ये बात समझनी है कि हमें संविधान में दिए गए अधिकार तभी हासिल होंगे जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग वाली पॉलिटिक्स की इस त्रिकोण राजनीति ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि बसपा की रणनीति कमोबेश वही है जो विजय रथ पर सवार भाजपा अपनाती रही है। अब समझिए कि बसपा की रणनीति क्या है। बसपा की तैयारी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की है। युवाओं को साथ लाने के लिए बसपा हर बूथ पर 5 युवाओं की कमेटी बनाएगी। सेक्टर स्तर पर गठित कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लिए बसपा गांव चलो मुहिम चला रही है। एक बूथ पर हम लोगों ने कम से कम समझाएंगे तो सबको, उसमें से 5 लोगों की बूथ कमेटी बनाकर, सेक्टर में 10-12 लोगों की सेक्टर कमेटी बनाकर, तो युवाओं को 50% युवाओं को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस संगठन में बूथ से लेकर मंडल तक जोड़ने का जो निर्देश किया है उस। बसपा की यही रणनीति 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने वाली भाजपा को बहुत चुभ रही है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का दावा है कि बसपा भले ही हमारी रणनीति अपना ले, लेकिन इससे बसपा को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, भाजपा लगातार 1 बूथ 20 यूथ पर काम बहुत पहले से कर रही है, और हमने धरातल पर बूथ पर उन कार्यकर्ताओं को बनाने का काम भी किया है, और केवल 1 बूथ 20 यूथ ही नहीं, हम तो पन्ना प्रमुख तक जाने का काम करते हैं। भाजपा का संदेश साफ है, बसपा का संगठन जमीनी स्तर पर बिखर चुका है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि अगर बसपा युवाओं को साधने में कामयाब होती है तो उसका सीधा असर भाजपा के वोट बैंक पर होगा।